To trace mobile number, location and information. मैं नईम हुसैन from computerpakistan.com आप सबको खुश आमदीद करता हूँ. डियर फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर की मालूमात हासिल करें और मोबाइल नंबर के मुतालिक कम्प्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करें. मिसाल के तौर पर आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये अननोन नंबर किसका है. बाई नेम इंफॉर्मेशन हासिल करें और आप ये जानिए कि ये मोबाइल नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है. ये बेहतरीन वीडियो ट्रेनिंग कोर्स मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो आप गूगल में आएंगे एंड टाइप करेंगे ट्रेस मोबाइल नंबर. सबसे पहले हम मोबाइल नंबर को ट्रेस करेंगे, फिर मोबाइल नंबर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे. हमारे सामने जब मैं टाइप करूंगा ट्रेस मोबाइल नंबर तो एक वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम होगा सेल्सा. ट्रेस मोबाइल नंबर के वेब पेज पर हम जाएंगे एंड टाइप करेंगे सेल फोन नंबर, जैसा कि मैं टाइप करता हूं 03017616362. सर्च करूंगा तो मेरे पास मोबाइल नंबर की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी. मोबाइल नंबर है जी मोबिलिंक का और ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुआ रहीम यार खान में एंड नेटवर्क सर्विस कंपनी मोबिलिंक प्रोविंस पंजाब एंड करंट कनेक्शन स्टेटस लाइव एक्टिवेटेड एंड कनेक्टेड. अब करंट कनेक्शन का स्टेटस हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो सेल फोन नंबर है वो एक्टिवेटेड है और कहाँ पर, रहीम यार खान पर नेटवर्क मोबिलिंक का. नेम ऑफ द सेलर जो इसका ऑनर है नॉट अवेलेबल. एग्जैक्ट स्ट्रीट विलेज सिटी नॉट अवेलेबल. जीपीएस मैप कुड नॉट ट्रेस. और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर द नंबर वाज रिसेंटली सर्च्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ये सर्च किया गया था एंड कंट्री पाकिस्तान में और इसके मुतलिक किसी ने रिपोर्ट कंप्लेंट की वो भी किसी ने भी नहीं की. मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग लैंग्वेज में ये बात की जाती है इस सेल फोन नंबर से. करंट जीपीएस ट्रैकिंग नो डेटा. तो बेसिकली हमारे पास इस नंबर की कुछ बेसिक मालूमात आ रही है, लेकिन ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है और ये नंबर हम करंट इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बेसिकली ये तो हमें मालूम पता चल गया कि इसकी करंट लोकेशन कहाँ पर है. अब मैं एक और नंबर ऐड करूँगा. सर्च करता हूँ ये मोबाइल नंबर ग्वादर से रजिस्टर हुआ एंड बलूचिस्तान कनेक्टेड है, लाइव है ये नंबर. ये बेसिकली हमें बता रहा है जब फर्स्ट टाइम सेल फोन नंबर कहाँ पर रजिस्टर हुआ था, ठीक है, ग्वादर में और कनेक्टेड है. इस नंबर की ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई. अब हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि जिस भी आदमी का ये नंबर होगा वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला होगा और उसकी जो लैंग्वेज मोस्टली स्पीक की जा रही होगी वो उर्दू पंजाबी, ठीक है. इस करंटली इसको सर्च किया गया है 7210 मर्तबा काउंट, ठीक है. ये मोबाइल के अंदर जो सेल फोन के अंदर टाइम और
पैटर्न यूज़ किया जा रहा है वो भी हमें पता चल रहा है। अब हम मालूम करेंगे कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, और ये तो मालूम पड़ रहा है कि इस नंबर को ग्वादर से रजिस्टर किया गया था बलूचिस्तान से, और ये कनेक्टेड है। अब ये मालूम करेंगे कि ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है नंबर मोबिलिंग का। तो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन है ट्रू कॉलर एंड्रॉयड के लिए, ट्रू कॉलर को मैं सर्च करूंगा, सर्च कर इंस्टॉल करूंगा, एक्सेप्ट करेंगे। एंड्रॉयड सेल फोन के अंदर मैं ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। 7 MB का ये मुकम्मल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की। तो डियर फ्रेंड्स, आप जहन में ये रखें कि जब आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो आपके पास ईमेल एड्रेस होना लाजमी है। ओके जी, गेट स्टार्टेड करेंगे। सेल फोन नंबर मांग रहा है तो मैं सेल फोन नंबर दूंगा, लेकिन कंट्री सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान, P4 पाकिस्तान। ओके जी, और सेल फोन नंबर ऐड करूंगा 03 0333 733 5044। कंटिन्यू करते हैं। दूसरे नंबर को एंटर करते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले भी मैं, क्योंकि सेल फोन के अंदर ये नंबर यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। ओके जी, तो दूसरा नंबर ऐड करता हूँ 03 1661 33 808। ओके जी, कॉल आ रही है मेरे नंबर पर, कह रहे हैं कि नो नीड टू पिकअप। ट्रू कॉलर वालों की जानिब से एक SMS आएगा और उसको हम इंटर करेंगे। मेरे पास SMS रिसीव हो चुका है 370 370। ऑलराइट जी, मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। नेम मैं यहाँ पर रखूँगा नेम हुसैन, ठीक है। ईमेल एड्रेस को रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑलराइट जी, अब हम सर्च करेंगे नंबर को। जो नंबर मैंने पहले एंटर किया था 030, चेक कर लेते हैं नंबर को। नंबर है जी, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। पेस्ट एंड सर्च। ये नंबर देखें आ रहा है UPK सोलंगी। मिसाल के तौर पर मैं अपना नंबर सर्च करना चाहूँ 0333 733 5044। सर्च करते हैं नंबर को, देखें नईम हुसैन के नाम से ये नंबर आ रहा है। ओके जी, तो इस तरह से आप नंबर की इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी दी गई है मेरी, और मोबाइल नंबर, व्यू कॉल हिस्ट्री।
कॉल इसने कोई भी नहीं की। ठीक है, ओके ओके, आप इस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी नईम हुसैन को सर्च कर सकते हैं। अगर इसको मैसेज करना चाहें मैसेज भी कर सकते हैं, सिंपली द बेस्ट। फेसबुक पर डायरेक्ट जाना चाहें तो फेसबुक पर भी इस आदमी को सर्च कर सकते हैं नईम से। और ईमेल मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो इसके साथ अब मैं ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने इस टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में सीखा कि किस तरह से नंबर की हिस्ट्री को मालूम किया जाएगा, नंबर से नंबर की मालूमात ली जाएगी, नंबर की इंफॉर्मेशन ली जाएगी, नंबर कहाँ पर रजिस्टर हुआ, नंबर एक्टिवेटेड है, नंबर की मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम इजीली ले सकते हैं, और नंबर के ऑनर का नाम भी मालूम कर सकते हैं इजीली, जैसा कि मैं मालूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से ट्रू कॉलर इंस्टॉल करोगे अपने एंड्रॉयड सेलफोन में, एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट करने के बाद आप सिंपली द बेस्ट उसका जो नंबर ऐड करोगे नंबर का ऑनर भी मालूम कर सकते हो, और नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन भी मालूम कर सकते हो। नंबर ट्रैक कहाँ से हुआ, कहाँ पर रजिस्टर हुआ, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नंबर के बारे में मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरह से ट्रैक किया जाता है मोबाइल नंबर की मालूमात और इंफॉर्मेशन को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेट माय अपकमिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स से बाखबर रहने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और नई इंफॉर्मेशन रोज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।